नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा एमएथ वर्ड की हमारी सिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी आज की क्लास का टाइटल है कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू फॉर्मेट पैराग्राफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी के कितने सही आंसर्स थे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ जो स्क्रीन अभी आपको दिखाई दे रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल सेशन से। तो हमेशा की तरह कुछ सैम्पल टेक्स्ट हम रैंड कमांड से इंसर्ट कर लेते हैं। ये पांच पैराग्राफ हमने इंसर्ट कर लिए। तो आज हम करेंगे जो ये पैराग्राफ कमांड ग्रुप है इसमें जो कमांड्स हमें दिखाई दे रही है इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों? आपका जो मैटर है उसको लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई चार तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम टाइप करते हैं तो डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से आपका मैटर अलाइन रहता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका मैटर जो है राइट साइड से अलाइन करना है, इसके लिए आपको कहाँ क्लिक करना है? राइट अलाइन के ऊपर। और अब जो अलाइनमेंट होगा वो राइट साइड से होगा, ठीक है, से होगा, ठीक है। यही अगर आप चाहते हो कि दोनों तरफ से बराबर हो जाए अलाइन, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है जस्टिफाई अलाइन के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये दोनों साइड से इक्वल अलाइन होगा, इसे बोलते हैं जस्टिफाई अलाइन, ठीक है। और अगर आप चाहते हो सेंटर में अलाइन करना है तो जो भी मैटर आप सेलेक्ट करोगे वो सेंटर में अलाइन होगा, मतलब सेंटर से आधा इधर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि राइट अलाइन कब काम आता है, सेंटर कब काम आता है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। लेटर में आपने कोई एड्रेस टाइप किया 28 गेट ICTL, कंप्यूटर एजुकेशन, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान, ठीक है। अब ये आप चाह रहे हैं इसको राइट अलाइन करना है, तो आपने करना क्या है, इन तीनों को सिलेक्शन बनाना है। आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद राइट अलाइन पे यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब इनके कीबोर्ड शॉर्टकट है, अगर आपको राइट अलाइन करना है कीबोर्ड से आपको Ctrl+R दबाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट अलाइन कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई हेडिंग टाइप की MS वर्ड ट्रेनिंग, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसको सेंटर में लाना है, पेज के बीच में बिल्कुल। तो आपने सिलेक्शन बनाना है, सेंटर अलाइन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+E, ठीक है। इसने आपने इसको बोल्ड कर दिया, साइज इंक्रीज कर दी, कैपिटल कर दिया, शिफ्ट F3 दबाकर, अंडरलाइन कर दिया Ctrl+U दबाकर, ठीक है। तो अब कभी इस तरह का टेक्स्ट अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए आपको सेंटर अलाइन करना पड़ेगा Ctrl+E। जब भी कभी कोई हेडिंग आपको सेंटर में दिखानी है तो Ctrl+E दबाकर, कभी आपको राइट में दिखाना है तो Ctrl+R दबाकर, कभी आपको लेफ्ट में दिखाना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+L, ठीक है। लेफ्ट अलाइन Ctrl+R, राइट अलाइन और Ctrl+E सेंटर अलाइन। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जस्टिफाई करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+J। अगर मान लीजिए आपका ये लेफ्ट अलाइन है, आपको जस्टिफाई करना है, तो Ctrl+J इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट था, चार तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। अब हम आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग पर, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्या है? ये जो लाइन्स आपकी दिख रही है पैराग्राफ्स के बीच में, इनके बीच में कितनी स्पेस आपको छोड़नी है। तो इसके लिए आप पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो, लाइन स्पेसिंग के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ अलग अलग लाइन स्पेसिंग दी है, 1 जो डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो, अगर आपको थोड़ा लाइन स्पेसिंग बढ़ाना है 1.15 कर दीजिए, उसके बाद आप 1.5 कर दीजिए या 2.0 लाइन स्पेसिंग कर दीजिए, तो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा।
या ज़्यादा करना है, 2.5, 3.0, आप चाह रहे हैं इससे भी ज़्यादा लाइन स्पेसिंग करनी है या कुछ कम करनी है, तो आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन पर और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से और ज़्यादा लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं कि हर एक लाइन के बीच में कितना गैप हो, ठीक है। मैंने 4 का कर दिया, ओके कर दिया, समझ में आ रहा है बात। एक बार हम वापस से इसको 1.15 करते हैं। अब इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, अगर आपको लाइन स्पेसिंग करनी, तो अपन 3 तरह की लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं कीबोर्ड से। कंट्रोल 1 दबाएंगे तो सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी, कंट्रोल 2 दबाएंगे डबल लाइन स्पेसिंग होगी, और कंट्रोल 5 दबाएंगे अगर हम, तो कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग हमारे सिलेक्शन में सेट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल 1, कंट्रोल 5, कंट्रोल 2, ये 3 स्पेसिंग की शॉर्टकट है। अब बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग में। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, अगर आपने जहाँ भी एंटर दबाया तो उसके बाद जो नया पैराग्राफ चालू होगा कितनी जगह छोड़कर स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, वो गैप ऐसे मैंने जब एंटर दबाया था तो ये इस पैराग्राफ और इस ये एक दोनों पैराग्राफ के बीच में कितना गैप है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। दोस्तों जैसे ही हम एंटर दबाते हैं तो नया पैराग्राफ चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये देखना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ कितने हैं, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ आपने एंटर दबाया, ये सारे मार्क एंटर के मार्क हैं, ठीक है, एंटर मार्क है। और इसे हाइड करना हो तो वापस यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ये शो एंड शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के लिए है, जो भी आपके हिडन कैरेक्टर्स होते हैं उनको दिखाने के लिए, शो या हाइड करने के लिए। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट 8, बेसिकली कंट्रोल एस्ट्रिक इसका शॉर्टकट है। आपको दबाना है तो कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाएंगे तो ये आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ स्टार, इसका ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। स्टार कैसा आएगा, शिफ्ट दबाकर आएगा, ठीक है। तो हमें कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाना है तो ये दिखाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 8 वापस दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ये हिडन कैरेक्टर शो करने के लिए कमांड होती है। हम बात कर रहे थे पैराग्राफ स्पेसिंग की। पैराग्राफ स्पेसिंग डिफॉल्ट इसमें सेट की होती है, अगर अपन चाहे तो उसको हटा सकते हैं, अपन चाहे तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने पैराग्राफ स्पेसिंग ख़त्म करनी है मान लीजिए, तो आप सेलेक्ट कर लो मैटर जहाँ से आपको पैराग्राफ स्पेसिंग हटानी है। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो जो भी आपने एंटर दबाने से जो स्पेसिंग सेट होती है डिफॉल्ट वो हट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐड करना है स्पेस, आप ऐड आपको करना है पैराग्राफ के बाद में, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो पैराग्राफ के ऊपर स्पेस सेट करना है तो इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। और रिमूव करना है तो रिमूव स्पेस। अब अगर आपके पैराग्राफ में स्पेस सेट नहीं है तो अगर आप कीबोर्ड से सेट करना चाहो तो इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 से अपन पैराग्राफ के ऊपर स्पेस सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल 0 दबाएंगे तो वापस से ये स्पेस खत्म हो जाएगा, कंट्रोल 0। तो ये पैराग्राफ स्पेस सेट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 0, ठीक है। या आप यहाँ से भी आकर सेट कर सकते हैं। समझ आ गई बात आपको। अब हम बात करते हैं इंडेंट्स की। तो इंडेंट्स क्या होते हैं, इंडेंट्स बताने से पहले मैं थोड़ा पैराग्राफ की साइज बड़ी कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा, विजिबल होगा अच्छे से। कंट्रोल ब्रैकेट इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। ये आपके 5 पैराग्राफ्स हैं। इंडेंट बेसिकली 4 तरह के इंडेंट्स होते हैं। एक इंडेंट तो यहाँ दिया हुआ है, ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट शॉर्टकट इसका नाम है। इंडेंट क्या है बेसिकली, मान लीजिए आपने ये मैटर सेलेक्ट किया या आपने ये 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए, इसको आपको चाह रहे हो कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे करना है स्केल से, ठीक है। तो आपने यहाँ क्लिक करना है इंक्रीज इंडेंट, तो जो मैटर आपने सेलेक्ट किया था वो लेफ्ट साइड से आगे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक स्पेस सेट हो जाएगा, इस स्पेस में आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई फोटोग्राफ लगानी है आपको या कोई टेबल बनानी है तो आप बना सकते हो। ये इंक्रीज इंडेंट है। अगर आप चाह रहे हो कम करना है इसको वापस, तो डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन कंट्रोल प्लस एम इंक्रीज इंडेंट का, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट एम दबाएंगे तो डिक्रीज इंडेंट। ऐसे आप इंडेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेफ्ट साइड के। लेफ्ट इंडेंट के अलावा 3 और इंडेंट भी होते हैं, ठीक है। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो कंट्रोल एम जब मैं दबा रहा हूँ तो ये स्केल से आपका ये ऑप्शन स्केल पर ड्रैग हो रहा है अपने आप, ठीक है।
और कंट्रोल शिफ्ट टर्न दबा रहे हैं तो वापस से ये कम भी हो रहा है। तो ये इंडेंट चार होते हैं। आपको यहाँ तीन बटन दिखाई देंगे, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं इसे हम, और ये बीच वाले बटन को बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, नीचे वाले बटन को बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट जो कि हम यूज़ कर रहे थे अभी, और ये है राइट इंडेंट। अब इन चारों का यूज़ समझ लेते हैं हम क्या है। आपको मैटर को सेलेक्ट करना है। अगर आप चाह रहे हो लेफ्ट साइड से मैटर आपका ड्रैग हो जाए रूलर पर, तो करना क्या है आपको, लेफ्ट इंडेंट को पकड़कर ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट इंडेंट है जो कि हमने अभी यहाँ से किया था, ये लेफ्ट इंडेंट है। कंट्रोल एम कंट्रोल शिफ्ट एम इसका शॉर्टकट है। ऐसे अगर आप चाहते हो राइट साइड से मूव हो जाए तो राइट साइड पर रूलर पर आकर राइट इंडेंट पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है, ठीक है। तो जितना भी आपका सिलेक्शन था वो राइट साइड से मूव हो जाएगा। वापस से ही करना है तो आप वापस से रूलर पर जाकर सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंडेंट है वो है फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब आपको पैराग्राफ में ऐसा करना है कि आपके पैराग्राफ्स की फर्स्ट लाइन थोड़ी सी आगे हो जाए। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट लाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और रूलर पर ड्रैग करना है। तो हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आगे की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है। यह है फर्स्ट लाइन इंडेंट, समझ आ गया आपको। तो ये सब फॉर्मेटिंग हम बाद में भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर। आपको शुरुआत में नॉर्मली टाइप करना होता है और सारी फॉर्मेटिंग कमांड्स आप बाद में अप्लाई करते हैं। वापस सही करना है तो आपने करना क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट पे जाना है और इसको सेट कर देना है वापस से। ये बीच वाला इंडेंट है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का तो आप देखना, हैंगिंग इंडेंट का यूज़, जैसे ही मैं हैंगिंग इंडेंट को ड्रैग करूंगा रूलर पर तो फर्स्ट लाइन के नीचे वाली जो लाइन है ना सिर्फ वही ड्रैग होगी, ठीक है। फर्स्ट लाइन अपनी जगह पर है, बाकी की लाइन आपकी थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाएंगी। तो यह है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का भी शॉर्टकट है, इसे हम एक बार रूलर से ही वापस नॉर्मल कर देते हैं। हैंगिंग इंडेंट के लिए आपको जो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है वो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से आपका हैंगिंग इंडेंट कमांड काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो हैंगिंग इंडेंट वापस से डिक्रीज होगा। कंट्रोल टी से इंक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट टी से डिक्रीज होगा। तो ये चार तरह के इंडेंट हैं, लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिस्ट। ये लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये तीन तरह की लिस्ट आपको एमएस वर्ड में बनाने के लिए कमांड्स दी हुई है। तीनों लिस्ट कौन कौन सी होती है, लिस्ट आप नॉर्मली पैराग्राफ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किए और यहाँ क्लिक कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बुलेट्स लग जाएंगे आपके पैराग्राफ के, हर एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में। आपको हटाना है तो हटाना है तो वापस क्लिक कर दो, ठीक है। और ज़्यादा डेकोरेटिव बुलेट्स लगानी है तो यहाँ क्लिक करो और यहाँ से आपने मान लीजिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और वापस हटाना है तो यहाँ क्लिक करके नन भी कर सकते हैं। नंबरिंग लगानी है तो नंबरिंग लगा सकते हैं 1 2 3 4, हटाना है तो हटा भी सकते हो। इनका फ़ायदा क्या है कि ये ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। मान लीजिए आपके यहाँ बीच में कोई नया पैराग्राफ सेट करना है, ठीक है, तो आप एंटर दबा के या नंबरिंग चालू कर सकते हैं। तो ये ऑटो नंबरिंग होती है इसमें, ठीक है। मैं डू कर देता हूँ एक बार। तो एक लिस्ट हम यही नई टाइप कर लेते हैं नीचे। तो ये लिस्ट हमारे पास टाइप है, ये नीचे मैंने टाइप की हुई लिस्ट है। इस पे हम अप्लाई करते हैं अपने अपने बुलेट और नंबरिंग स्टाइल। अपने करना क्या है, उस लिस्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे आपको बुलेट्स या नंबरिंग स्टाइल अप्लाई करनी है। थोड़ा मैंने साइज इंक्रीज कर दिया है कंट्रोल ब्रैकेट से। अब इसके बाद आपको बुलेट्स पे क्लिक करना है तो वो बुलेट्स उस लिस्ट पर लग जाएंगे। बुलेट्स में आपने मैंने बताया था आपको और भी सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं या सिंबल दिए हुए हैं। इसके अलावा कोई और सिंबल आपको यूज़ करना है तो आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पर। इसके बाद क्लिक करना है आपको डिफाइन न्यू बुलेट, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है सिंबल ऑप्शन पर। सिंबल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स दिखाई देंगे। आप इनमें से किसी भी एक सिंबल का यूज़ आपकी बुलेट के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, तो वो बुलेट आपकी लिस्ट के आगे लग जाएगी। वापस हम आते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करते हैं, सिंबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई सा भी सिंबल आप अपनी बुलेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अब की बार मैंने इसमें ये वाला सिंबल लगा दिया, ये विंगडिंग्स फॉन्ट में आपको ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ये फॉन्ट आप बदल सकते हैं। मान लीजिए आप चाह रहे हैं इसमें विंगडिंग्स के अलावा कोई और आपको कैटेगरी लेनी है फॉन्ट की, तो यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करो और यहाँ से आपने विंगडिंग टू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए मैं आपकी बार चाह रहा हूँ मुझे ये वाला ये सिंबल अपनी बुलेट्स के लिए
इंसर्ट करना है, आपने क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको इसके लिए वापस यहाँ ऑप्शन पे आना है, डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करना है, आपकी बार आप क्लिक करेंगे फॉन्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कलर पे चूज, कोई सा भी कलर आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। साइज भी दे सकते हैं आप यहाँ पे इसकी 12-14 जो आप साइज देना चाहो दे सकते हो, ओके पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, तो वो कलर के साथ बुलेट आपकी लिस्ट पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप क्लिक करो और डन पे क्लिक कर दो। ऐसी नंबरिंग आपको लेनी है तो नंबरिंग पे क्लिक कर दो, नंबरिंग में भी चाहे 6 से चालू हो रही नंबरिंग आपकी, क्योंकि आपने 1, 2, 3, 4, 5 इन पैराग्राफ पे सेट की हुई है। अगर आप चाह रहे हो 1 से स्टार्ट हो तो आपने क्लिक करना है और सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाना है और यहाँ सेट वैल्यू 2 यहाँ 1 पे क्लिक कर दो, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दो। तो ये लिस्ट जो आपकी 1 से चालू होगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, ये जो भी लिस्ट आपने छोड़ी थी उसके बाद जो नंबरिंग होती है वहां से ये स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेट नंबरिंग वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट वैल्यू किसी भी लिस्ट के लिए ले सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये कहाँ से स्टार्ट करनी है। इसके अलावा जो लिस्ट है यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ 1 अपन चाह रहे हैं कि इस तरीके से दिखाए तो ऐसे ऐसे दिखा देगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आगे खिसक गया क्योंकि ब्रैकेट की वजह से, अपन इसको भी सेट कर सकते हैं इंडेंट के जरिए, ठीक है। आपने करना क्या है, इसका हैंगिंग इंडेंट सेट करना है, तो ये लिस्ट आप जहाँ से भी दिखाना चाहते हो वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी। हैंगिंग इंडेंट से अपन लिस्ट को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने ABC में दिखाना है, ABC में आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हो ये स्पॉन रोमन लेटर्स में आए तो रोमन लेटर्स में आ जाएगी, कैपिटल रोमन में आए तो, यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन आप अपने लिस्ट के लिए सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी है लिस्ट कमांड। अब एक लिस्ट और होती है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अब वो कहाँ काम आती है मल्टी लेवल लिस्ट, उसके लिए तो उस लिस्ट के लिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। ये एक लिस्ट है, इस पर हमें लेवलिंग सेट करनी है, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। अब लेवलिंग कैसे करेंगे, जैसे अपने पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं और इनके भी फर्दर डिवीजन दिए हुए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टैब का या इंडेंट का यूज़ करना है। आपने करना क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक ही लेवल में रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का लेवल आपको चेंज करना है, या तो आप इंडेंट का यूज़ कर लो या टैब का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। मैंने इंक्रीज इंडेंट का यूज़ किया। उसके बाद आपको विंडोज़ और यूनिक्स इन दोनों ऑप्शनों को लेना है और इसको दो बार इंडेंटिंग कर देनी है, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल में, तो यहाँ पर एक इंडेंट सेट कर देंगे। फिर वापस इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और दो बार इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर के लेवल में आएगा, फिर इनपुट डिवाइस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल में आएगा, कीबोर्ड माउस दोनों को सेलेक्ट करेंगे और दो इंडेंट दे देंगे, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस पर क्लिक किया हमने, ये आ गया। इसके बाद मॉनिटर और प्रिंटर को सेलेक्ट किया, ये दोनों आपको, तो ये लेवल आपने इंडेंट या टैब की मदद से बना देने हैं, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग अगर आपको करनी है तो इसको बोलते हैं हम मल्टी लेवल लिस्ट। आपने सिलेक्शन बनाना है, सिलेक्शन बनाने के बाद करना क्या है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको किस तरह से दिखानी है मल्टी लेवल लिस्ट, आप चाह रहे हो ऐसे इस ऑप्शन में शो तो यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट आपकी ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि ये मल्टी लेवल लिस्ट जो है ऐसे शो हो तो ये 1, 1.1, 1.1.1, ठीक है, इस तरीके से दिखा देगा। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है। अगर आप चाह रहे हो कि ये ऐसे शो तो ये ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है। जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप अपने लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। फायदा ये है कि ये ऑटो नंबरिंग होती है, अगर आपने बीच में कहीं भी कोई भी आपने सब्जेक्ट ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो लिस्ट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऐड करना है आपको, तो ये ऑटोमेटिक, ठीक है, सेट हो जाएगा। तो जो आज की हमने क्लास में हमने अलाइनमेंट, इंडेंट्स, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, और अपने टाइप ऑफ लिस्ट, सॉर्टिंग, ये जो भी कमांड हमने की आपको सब अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये उम्मीद करता हूँ मैं। और अब आपको स्क्रीन पर आज की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनके सही आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है हर बार की तरह। और सही आंसर देखने के लिए आपको मेरे नए वीडियो को देखना है, तो
उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे वैसे तो, लेकिन हर बार की तरह आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स पर मुझे फॉलो करो। आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो नोट्स डाउनलोड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।